सीतापुर जेल से सपा सांसद आजम खां की पत्नी और शहर विधायक तंजीम फातिमा जेल से हुई रिहा। 26 फरवरी 2020 से सीतापुर कारागार में थी बंद। शत्रु संपत्ति सहित कुल 34 मामलों में मिली जमानत। रामपुर से जमानत का परवाना आने के बाद सीतापुर जेल से हुई रिहा। आजम खां और बेटा अब्दुल्ला आजम अभी रहेंगे जेल में। 34 मामलों में सुनवाई के बाद जमानत हुई थी मंजूर। जेल से रिहा हुई तंजीम फातिमा बोली, जेल में मुझे कोई सुविधा नहीं दी गई। रिहाई के समय आजम खां से कोई मुलाकात नहीं हुई। 10 महीने बाद मुझे कैद से रिहाई मिली है। न्यायिक पालिका ने मेरे साथ इंसाफ किया है। न्यायपालिका से मुझे इंसाफ मिला है, आजम खां साहब को भी मिलेगा। मैं सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थी, मेरी सत्य निष्ठा सरकारी अधिकारियों ने प्रमाणित की है। क्या मैं अचानक क्रिमिनल हो गई? क्या मैं इतनी बड़ी क्रिमिनल हो गई कि मेरे ऊपर 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हो गए? कारागार में बंद होने के दौरान मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। छत्रपाल यादव एक में बिट्टू भाई रोक रहे हैं। हाँ तो गाड़ी बंद कर दो ना। मोनू भाई चले चल भाई अभी बंद कर ले। मीडिया नहीं छोड़े भाई। अरे ये दरवाजा बंद कर फरहान भाई, एक मिनट प्लीज हटो, बंद करो हटो भैया। अरे भाई हटिए, बंद करो भाई। अरे भाई हटो भैया, हट जाओ। 10 महीने के बाद मुझे कैद से रिहाई मिली है जी। इसका पूरा श्रेय मैं न्यायपालिका को देती हूँ। न्यायपालिका ने मेरे साथ इंसाफ किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आइंदा भी मुझे न्यायपालिका से इंसाफ मिले। आजम खान जी के ऊपर लगातार मुकदमे दर्ज होते जा रहे हैं जी, क्या कहेंगे? देखिए मैंने कहा ना कि न्यायपालिका से मुझे इंसाफ मिला है तो मैं भी इंसाफ मिलेगा। यकीन ये सोचिए, ये फैसला तो आपको खुद करना है कि मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में लेक्चरर थी, 7 साल तक मैंने पढ़ाया है और मेरी सत्यनिष्ठा खुद सरकारी अधिकारियों ने प्रमाणित की है, तो 60 साल के बाद अचानक मैं क्रिमिनल हो गई है ना? ये तो आप खुद आप लोग सोचिए कि जिस आदमी ने 60 साल तक की राजकीय सेवा की और सत्यनिष्ठा भी सरकारी अधिकारियों ने प्रमाणित की, कि अचानक मैं 60 साल के बाद जब मैं सेवानिवृत्त हुई यानी रिटायर हुई तो उसके बाद मैं अचानक इतनी बड़ी क्रिमिनल हो गई कि मेरे खिलाफ 50 तक